नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपके व्हाट्सएप को बैकअप लेना है और आपके फोन में नेट नहीं है, तो ये बैकअप कैसे ले। और या फिर मान लीजिए आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आपको फोन को फैक्ट्री रिसेट करना है और आपके फोन में नेट नहीं है, तो आप बैकअप करना चाहते हैं व्हाट्सएप का, तो ये वेरी सिंपल एक टिप्स है। बस आपका जो व्हाट्सएप फाइल है मतलब फोल्डर, उसको आप बैकअप करके कॉपी करके किसी और लोकेशन में रख सकते हैं, या तो मेमोरी कार्ड में या तो OTG लगा कर पेन ड्राइव में। तो बहुत ही आसान तरीका है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरा फोन है और इसमें एक व्हाट्सएप पहले से ही कॉन्फिगर किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन किया, यहाँ पर मेरा दो चैट है, एक चैट के अंदर कुछ वीडियो और टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मुझे ये बैकअप लेना है और मैं दिखाऊंगा आपको व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने के बाद मैं इसको कैसे रिस्टोर करता हूँ। तो चलिए, मेरे पास एक फाइल मैनेजर लोड किया हुआ है, ES Explorer। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने फाइल मैनेजर खोला अपना, ये मैंने इंटरनल मेमोरी में व्हाट्सएप अपना जो भी फोल्डर बनाता है इंटरनल मेमोरी में, यहाँ देखिए व्हाट्सएप ने एक फोल्डर बनाया हुआ है। ये देखिए एक व्हाट्सएप का फोल्डर है, इसी फोल्डर का आपको कॉपी करके बैकअप लेना होता है। तो मैंने ये अपना व्हाट्सएप फोल्डर कॉपी कर लिया। मेरा अभी इस फोन में कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो मान लीजिए मैंने यहीं पर किसी और फोल्डर में पेस्ट कर दिया, तो न्यू फोल्डर बना ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक बैकअप, ये एक फोल्डर बन चुका है ऊपर में, बैकअप मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए जो व्हाट्सएप फोल्डर था वो यहाँ पेस्ट हो चुका है। तो अभी मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करता हूँ, तो आप जानते हो अनइंस्टॉल कहाँ से होता है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद को ऐप्स में जाना होता है, तो ये मैं ऐप्स ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए ऐप्स, और यहाँ इस लिस्ट में व्हाट्सएप भी होगा, तो ये देखिए व्हाट्सएप। फोर्स स्टॉप करके, सॉरी, ये अनइंस्टॉल टिक कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ये मैंने ओके प्रेस कर दिया। अभी देखिए व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो रहा है, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो चुका है। तो मैं वापस होम में जाता हूँ। तो अभी देखिए मेरा जो व्हाट्सएप लोड था वो अभी व्हाट्सएप नहीं है, उड़ चुका है डेस्कटॉप पर से। तो मैं इसे वापस व्हाट्सएप लोड करूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप पहले से ही मेरा मेमोरी कार्ड में बैकअप लिया हुआ है, तो बैकअप प्रोसेस जो है वो मेरा इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप कैसे किसी एप्लीकेशन का बैकअप लेंगे। तो ये मैंने अपना फाइल मैनेजर खोला, तो ये देखिए मैं इंटरनल मेमोरी में एक बैकअप्स बोल के एक फोल्डर है, ES Explorer के थ्रू बनता है बैकअप। ये देखिए एप्स, और ये व्हाट्सएप पहले से ही बैकअप है मेरे फोन में, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल बटन मैंने क्लिक कर दिया, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हर रोज ऐसे एक नया नया टेक वीडियो लाते हैं। तो ये देखिए लोड हो रहा है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है, तो ये मैंने डन बटन पर प्रेस कर दिया। ये देखिए मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप लोड हो गया है। अभी मैं ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको व्हाट्सएप में अकाउंट लॉगिन करने से पहले आपने जो वो फोल्डर बैकअप लिया था, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक बैकअप फोल्डर के अंदर व्हाट्सएप फाइल को बैकअप लिया था। ये देखिए बैकअप फोल्डर के अंदर व्हाट्सएप बना हुआ है पहले से, तो मैंने इसको कॉपी करना होता है और रूट लोकेशन में पेस्ट करना होता है। ये देखिए व्हाट्सएप खुद से एक फोल्डर बना लिया, लेकिन ये ऐसे रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके ऊपर से एक और पेस्ट कर दे रहा हूँ, ओवर राइट अप्लाई टू ऑल एंड ओवर राइट क्लिक कर दीजिएगा अगर अगर आपका व्हाट्सएप फोल्डर पहले से ही होगा। तो ये मैंने ओवर राइट कर दिया। तो बस इसके बाद आपको वेरी सिंपल प्रोसेस, आप बस व्हाट्सएप ओपन करके आप जैसे लॉगिन करते हैं व्हाट्सएप में, बस वैसे ही लॉगिन करना होता है, बस लॉगिन कर लेना होता है और आपके फोन में वो जो अपने जो मैसेज और मीडिया का बैकअप लिया था वो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।